Hello everyone, welcome back to Dr. Deeksha's classes, right? So I hope everybody is doing fine, great, and we are at the same page. I mean, आपने पिछली वीडियोस देख के फॉलो अप किया है एंड देन आई एम हियर विद माय नेक्स्ट वीडियो एज वेल एज यू फॉलोइंग अप विद द प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर आप पिछला नहीं कंसिडर करके चलेंगे, नहीं पढ़कर चलेंगे, तो आगे आने वाले कॉन्टेंट्स में थोड़ा सा अपना बेस मैचअप करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो होपिंग फॉर द सेम थिंग एंड देन बिगिनिंग विद टूडेज फ्रेश टॉपिक. चलिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की, जिसमें मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर समझाया. मैंने बोला कि फंक्शनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस समझने से पहले जरूरी है कि हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने, राइट, कि वो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हो कर रही है. एंड इफ आई ब्रीफ क्विकली मेक यू रिवाइज, तो जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम जो हमने किया था, जिसमें वी स्टडीड अबाउट दीज मेसोफिल सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है एंड देन इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट द फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. आई टोल्ड यू अबाउट अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर थी एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हमने स्टोमेटा का नाम दिया था. ठीक है, बीच के सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया और ब्रीफ करते हुए आई टोल्ड यू दैट लीफ इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट. कनेक्टिंग विद क्लास 9th वी स्टडीड कि ऑर्गन सारे टिश्यूज से बने हैं. सो दीज आर द टिश्यूज, अपर एपिडर्मल टिश्यू, लोअर एपिडर्मल टिश्यू, और ये टिश्यूज अंदर किसके बने हुए हैं, सेल्स के. सो जैसे हम अंदर तक खोलते जाएंगे इट विल बी मेड अप ऑफ सेल्स, करेक्ट. तो ये हमारा हमने पढ़ा इसके बारे में, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एज प्रॉमिस्ड आई टोल्ड यू वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, कि हाउ डज दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, राइट. सो दीज आर सर्टन स्टेप्स एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सेम की एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, कुछ स्टेप्स के बारे में वो बात कर रहे हैं. तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बिफोर गोइंग टू दैट एक्सटेंट, वी विल टॉक अबाउट द पार्ट दैट इज हाउ इज दिस इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, करेक्ट. चलिए, सो आई एम मेंशनिंग द हेडिंग इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस of photosynthesis. ठीक है, if you are watching with me और आप देख रहे हैं कि what have I written, I will ask all of you to note down the heading. ठीक है, ताकि हम एक just a second, yeah, ताकि हम एक सेम पेज पे आके उसको स्टडी कर सके. ठीक है, तो पहला स्टेप जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, द फर्स्ट स्टेप विच यू विल स्टडी इन योर एनसीईआरटी आल्सो इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी. चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. हमने पढ़े थे फोर रॉ मटेरियल्स, वी स्टडीड अबाउट सनलाइट कमिंग फ्रॉम सन, वाटर कमिंग फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग फ्रॉम एयर एंड क्लोरोफिल जो हमारे लीफ के अंदर ही था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, करेक्ट. तो वही चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में. ये बना रही हूं मैं सन, ठीक है, सन से आ रही है कुछ रेज और यहां पे प्लेस्ड है हमारा प्लांट. करेक्ट, लीफ के क्रॉस सेक्शन के अंदर, लीफ के क्रॉस सेक्शन के अंदर वी स्टडीड दैट इट कंटेन्स एन ऑर्गेनेली जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बनाऊं, सो वी स्टडीड क्लोरोप्लास्ट दिस वे कि वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली थी.
ठीक है, जिसमें अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का बताया था। देन वी स्टडीड कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। सो इट कंटेन्स अ पिगमेंट नेम्ड एज क्लोरोफिल। ये हमने लास्ट वीडियो तक और लास्ट कॉन्सेप्ट तक ये हमने समझा था, ठीक है। नाउ हाउ इज दिस सोलर एनर्जी बीइंग अब्सॉर्ब्ड, लेट मी टेल यू दैट दिस सोलर एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, करेक्ट, इट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय दिस क्लोरोफिल। So the chlorophyll which is present in the leaf is absorbing this solar energy into it, right? तो sun से energy को अपने अंदर consume करने वाली चीज कौन है, chlorophyll। Chlorophyll कहाँ पे है, chloroplast में। तो इसका मतलब जितनी solar energy आई है वो सब कहाँ कैद हो गई, इस chloroplast के अंदर। इतनी बात समझ में आई, that is what we are telling absorption of solar energy, and I'll complete the sentence with the help of chlorophyll, chlorophyll ki madad se। Correct, pehla step sabko clear। Chaliye ab dusre step ki baat karte hain jisme wo hame bol rahe hain conversion of solar energy into chemical energy। ठीक है, कहीं बुक्स में आप देखेंगे कि ये स्टेप हो सकता है दोनों साथ में लिखे हों, या कहीं बुक्स में यू विल सी दैट ये सेकंड वाला स्टेप कमिंग थर्ड वाले स्टेप के साथ लिखा होगा, बट द क्रोनोलॉजी इनके पीछे यही है कि आप सबको सिर्फ समझें। जब आप समझ जाएंगे आप खुद इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। अब जो ये सोलर एनर्जी क्लोरोफिल के पास आई थी, उसने उस एनर्जी के आने के बाद उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। अब आप सोचोगे कि सोलर एनर्जी को ही क्यों नहीं यूज किया, व्हाई डिड वी कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, क्या जरूरत पड़ी इस एडिशनल स्टेप की, करेक्ट। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग इन द थर्ड पार्ट, इन द सी पार्ट, कि कौन से थर्ड स्टेप में इस केमिकल एनर्जी ने क्या जादू दिखाया, ठीक है। फॉलोइंग अप थर्ड स्टेप, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा अब समझते हैं इस चीज को, ठीक है। याद करिए, हमने समझा था कि लीफ के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कौन सा लेयर होता है, अपर एपिडर्मिस का। देन वी स्टडीड अबाउट द लोअर मोस्ट लेयर व्हिच वी मेंशनड एज लोअर एपिडर्मिस। हमने पढ़ा लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और यहां पे हमने पढ़ा कि इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। मैं इसका नाम अब मेंशन कर दे रही हूं, क्यूटिकल, दिस वैक्सी लेयर, ठीक है। बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोला गया था मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स जिनके अंदर प्रेजेंट थी क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था, क्लोरोफिल, ठीक है। और यहां पर कुछ सेल्स ऐसे ही प्रेजेंट थे लूज लूज, और सेंटर में खाली क्या थी हमारी, एयर स्पेसेस। तो ये जो सेंटर में खाली थी ये क्या थी हमारी, कुछ एयर स्पेस, ठीक है। ये हमने लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब आई टेल यू कि चीजें इसके अंदर एंटर कैसे करती हैं। ये रहा हमारा स्टोमेटा, अगर मैं एक बड़ा करके बनाऊं तो, और ये रहा मेरा स्टोमेटल पोर सेंटर में। तो होता क्या है, वाटर
जो रूट से आया था विद द हेल्प ऑफ जाइलम. थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना, मैंने बताया था वाटर प्रेजेंट कहाँ होता है, सॉइल में. सॉइल से कौन पुल करता है, रूट्स. रूट्स किसको देते हैं, जाइलम. जाइलम कहाँ लेकर आता है, लीफ तक. लीफ में आने के बाद ये पानी कहाँ एंटर करता है, ये एंटर करता है स्टोमेटा में. और स्टोमेटा में भी किसके थ्रू, थ्रू गार्ड सेल्स. तो इसका मतलब मैंने जो ये गार्ड सेल्स बनाए हैं इसमें से क्या अंदर जाएगा, इसमें से अंदर जाएगा वाटर. ठीक है, ये गार्ड सेल्स अपने अंदर पानी को भर लेंगे और उसे ऊपर की तरफ यहां पर पुश करेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस. वाटर विल बी एंटरिंग इनसाइड. ठीक है, वाया दिस फ्लो चार्ट यहां से आए. देन हमने एक और चीज पढ़ी थी अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. वी स्टडीड कार्बन डाइऑक्साइड आई है हमारी एयर से. ठीक है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई है और ये भी किसमें से एंटर करेगी, स्टोमेटा से. लेकिन दिस विल एंटर थ्रू स्टोमेटल पोर. तो कहने का मतलब है कि ये कहां से एंटर करेगी, ये पोर से, यहां से, सेंटर से. तो इट इज एंटरिंग थ्रू दिस स्टोमेटल पोर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, देन जब ये यहां पहुंचे हैं इसके पास, तो यहाँ पे आपको ये रही मेरी पिंक कलर की कार्बन डाइऑक्साइड और ये रहा मेरा ब्लू कलर का वाटर. ठीक है, ऊपर से क्या आई है मेरे पास, ऊपर से मेरे पास इसमें आई है सोलर एनर्जी. तो मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबकी सब चीजें इकट्ठी हो गई. ठीक है, अब इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी आई थी. सोलर एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी ने क्या किया, जो वाटर सॉइल से गार्ड सेल्स तक का सफर करता हुआ क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचा था, उस वाटर को वहां स्प्लिट कर दिया गया. वो वाटर को वहां स्प्लिट कर दिया गया, तोड़ दिया गया. ठीक है, सो इट ब्रोक डाउन इनटू एच पॉजिटिव, हमारी हाइड्रोजन अलग निकल गया और हमारी ऑक्सीजन गैस अलग निकल गई. ठीक है, तो हमारे दो हाइड्रोजन यहां अलग हो गए और ये हमारा एक ऑक्सीजन निकल गया. कंक्लूडिंग आवर थर्ड स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ यू विल थिंक कि इतना सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि बच्चों हमें फोटोसिंथेसिस करानी है, मतलब हमें खाना बनाना है और खाने में भी क्या बनाना है, ग्लूकोज. ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट. अब अगर मैं आपको कहूं कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला बताओ, आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज. यू मस्ट हैव स्टडीड वंस और द अदर टाइम, और नहीं भी पढ़ा होगा तो अब देख लो. जो प्लांट खाना बनाएंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज जिसका है C6H12O6. तो इसका मतलब ग्लूकोज को बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. ये तीनों चीजें चाहिए उसको बनने के लिए, दिस थ्री. ठीक है, इसीलिए हमने वाटर को स्प्लिट किया ताकि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए. ठीक है, लेकिन कार्बन की कमी तो अभी भी है हमारे पास, है ना, कार्बन तो नहीं आया हमारे पास. तो चलो अब चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे. द फोर्थ स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था. ठीक है, नहीं अगर याद तो मैं बता देती हूँ, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि क्लास टेंथ है, उसके 3-4 सेक्शंस हैं, A, B, C, D, लेकिन है तो सारी क्लास टेंथ ही है ना. सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज. फाइन, नाउ ये ग्लूकोज कैसे बनेगा, अब क्वेश्चन यहाँ आता है. ग्लूकोज कुछ इस तरीके से बनेगा. हमारे प्रीवियस स्टेप्स में हमें H पॉजिटिव मिल गए थे,
हमें ऑक्सीजन मिल गया था, ठीक है। अब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इनकी कंपनी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और सब मिलके क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम कार्बोहाइड्रेट्स तो बन गया, ठीक है समझ गए, लेकिन यहां पर रिडक्शन क्यों लिखा है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। अब रिडक्शन होती क्या है, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया था, जो वाटर स्प्लिट किया था उसमें से हाइड्रोजन गेन करके इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तभी तो ये हमारा क्या बन गया, C6H12O6, ठीक है। बचा हुआ ऑक्सीजन, जो हमारा यहाँ ऑक्सीजन बचा था, दिस विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सीजन गैस। तो वो हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन दिया जाता है, वो यहां से आता है सारा, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस थर्ड स्टेप हैज, फोर्थ स्टेप हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको बताऊं तो यहां से आप क्या डिराइव करोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यस इट हैज हैपेंड पहले स्टेप में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स वो भी हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड वी डू नॉट नो, ऐसा हमने नहीं पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ये भी हुआ है। सो वी कैन सी कि ये वाला स्टेप है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं दिखा हमने, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैड कवर्ड विद आर फोटोसिंथेसिस के फोर स्टेप्स। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वो तीन स्टेप्स में लिखा हुआ है एंड कन्वीनियंटली वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिफोर आई विल मेक यू स्टडी अदर क्वेश्चंस, वी विल ओनली कवर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन जितने भी टॉपिक्स बचे हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के वो मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि बाकी सब छोटे छोटे, ठीक है। मेजर हमारा यही था जो हमें खत्म करना जरूरी था। सो सी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड दे आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन गिवन है, सी 6 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एनर्जी एंड यहाँ पे क्लोरोफिल भी हो सकता था, उनकी प्रेजेंस में ये क्या बना मेरा ग्लूकोज और साथ में क्या रिलीज हो गई, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये फिगर्स लगा के इक्वेशंस बैलेंस कर रखिए। प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हाउ डज दिस प्रोसेस एक्चुअली टेक्स प्लेस। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग अप विद द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, forwarding and starting with nutrition in animals, that is us human beings, okay, thank you।